हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग लेकर आई हूँ मैं दिल्ली की सबसे सस्ती मार्केट, जहाँ पर आप कर सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली शॉपिंग, वो भी बहुत ही कम दाम में। और ये मार्केट काफी ज्यादा फेमस भी है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस मार्केट की बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ सरोजनी नगर मार्केट में एकदम लेटेस्ट कलेक्शन, कि वहाँ पे अभी क्या क्या कलेक्शन है, विंटर है, समर है, जो भी आपको इस टाइम देखने को मिल रहा है वो यहाँ का एकदम टॉप कलेक्शन है। तो सरोजनी नगर मार्केट में आप अपने डेली वियर से लेके पार्टी वियर तक, फैंसी वियर तक सारी शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने कुछ और भी बहुत सारी चीजों की यहाँ खरीदारी कर सकते हो। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं और विंटर कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा आया हुआ है। तो काफी लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको विंटर कलेक्शन दिखाऊं, वो भी सरोजनी का। तो चलिए आज की व्लॉग में आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया खान ब्लॉग्स। सुमैया खान ब्लॉग्स में एक बार सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के सरोजनी नगर मार्केट की लोकेशन की बात करूं तो यहां का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सरोजनी नगर। जैसे ही आप सरोजनी नगर मार्केट के मेट्रो से एग्जिट लोगे तो आपको सामने सरोजनी नगर का गेट मिल जाएगा। अब वहां से आप शॉपिंग के लिए एंट्री कर सकते हो मार्केट में। मैं मार्केट में आई हूँ, मुझे एक बहुत शानदार शॉप मिली देखने को, जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी डेनिम्स भी थे और स्वेटर्स भी थे ओनली 200 रुपीस की रेट में। मतलब 200 रुपए में आपको इतने अच्छे अच्छे स्वेटर्स मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको चलो दिखा देती हूँ, यहाँ का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। कलर्स भी मिल जाएंगे, साइज भी मिल जाएंगे। आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आप चीजों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख पाओ। तो इस पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, जंप सूट थे बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड टाइप के। बाकी 200 में आपको लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे फैंसी, जिसके ऊपर आप बहुत प्यारी सी कुर्ती कैरी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल मार्केट में कैसा कैसा मटेरियल मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए गरम गरम पर्दे या फिर बेडशीट्स, या आपको और भी कुशन वगैरह चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ बड़े कम प्राइस में मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की बड़ी ही शानदार शॉप। मैं आपको दिखा रही हूँ ये शॉप, जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलेक्शन देखने को मिला है। जैसे कि ये फुल गाउन, ये फैंसी गाउन बहुत ही अमेजिंग है देखने में,
उससे ज्यादा अमेजिंग इसे पहन के फील होने वाला है। और इनके पास बहुत प्यारी प्यारे प्रिंटेड भी थी। इनके प्राइस इन्होंने मुझे बताए 600 रुपीस, जो कि थोड़ा सा मुझे महंगे लगे, बट ये बार्गेनिंग कर लेते। भाई साहब, इनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है, जो आजकल आप अच्छे खासे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे देखते हो या फिर आप ऑनलाइन परचेज करते हो, वही सब चीज़ें आपको ऑफलाइन मिल जाएंगी, वो भी उससे कम दाम में। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारा टॉप लगा, इसकी कीमत थी 400 रुपीस, और ये ऑरेंज वाला तो ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत अमेजिंग मुझे ये लगा। इसकी कीमत इन्होंने मुझे बताई 700 रुपये, और काफ़ी अच्छा था ये, इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी था। और अगर मैं कपड़े की क्वालिटी बताऊँ तो कपड़े की क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी। थोड़ा सा भले ही एक्सपेंसिव है सरोजनी को देखते हुए, बट थोड़ा बहुत कम हो भी जाता है। इसके अलावा इनके पास ज़ारा का काफ़ी सारा कलेक्शन था, और इस टाइप के जंप सूट वगैरह भी थे, कलरफुल, थोड़े फैंसी भी, थोड़े नॉन फैंसी भी, एकदम डिज़ाइनर कपड़े थे इनके पास। और इनके पास बहुत प्यारी प्यारी पफ जैकेट्स भी थी। पफ जैकेट्स आपको पता है कितना क्यूबिक फील कराती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, और उससे ज़्यादा अच्छी फील आती है इन्हें पहन के। तो इनके रेट भी 700-800 थे। बाकी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग रेंज मिल जाएगी 350। मुझे एक ये स्वेटर बहुत पसंद आया, ब्लैक वाला, इन्होंने मुझे बताया 350 रुपीस का, काफ़ी अच्छा था, इस पर अच्छे तरीके से वर्क भी हो रहा था, और ये किसी पे भी पहनो बड़ा सुंदर लगता, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इन भैया को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने इनकी वीडियो को, इनकी शॉप को एक्सप्लोर किया। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारा एकदम डिफरेंट और न्यू मटेरियल था। सो गाइज, अगर इस मार्केट की बात करूँ किस डे क्लोज रहती है, तो सरोजनी नगर मार्केट मंडे में ऑलमोस्ट क्लोज रहती है। इसके अलावा यहाँ पे मंडे में काफी सारी शॉप्स खुली भी रहती हैं, कुछ एरिया बंद रहता है। तो यहाँ पर मुझे एक ये पिंक कलर की जैकेट देखने को मिली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही सस्ते में थी। और भी मैं आपको यहाँ को दिखा देती हूँ, ये ग्रीन वाली, इसका कलर भी अच्छा था। इनके पास डिज़ाइंस भी हैं और साइज़ भी, अपने अकॉर्डिंग साइज़ को सिलेक्ट कर लें। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, सरोजनी नगर मार्केट बहुत ही सस्ती मार्केट है दिल्ली की, और ये मार्केट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है लड़कियों में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको डेनिम्स, जैकेट्स, वाइट कलेक्शन, सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, और ये इस टाइप की पफी जैकेट्स भी मिल जाएंगी, वो भी इतने कम रेट में। और अगर यही अगर जैकेट आप परचेज करोगे किसी शोरूम से, तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, 300 रुपीज़ की सेल में मात्र। ओ भाई साहब, इतनी सस्ती जैकेट्स, इसमें बड़े साइज भी हैं और कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके देख लें सामान। और यहाँ बहुत प्यारे प्यारे आपको कोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग कोट्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है इस टाइम मार्केट में। लॉन्ग कोट बहुत अच्छे लगते हैं, उस टाइप के लॉन्ग कोट भी मिल जाएंगे, वो भी मात्र 200 रुपीज़ की रेंज से स्टार्ट मिल जाएंगे आपको।
इसके अलावा आपको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों टाइप के कोट वगैरह मिल जाएंगे, अलग अलग कलर में। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो, ओ माय गॉड, मैजेंटा कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, रेड इज माय फेवरेट कलर। और यहाँ पे आपको ये जीन्स वगैरह भी मिल जाएंगी। लेकिन मैं अगर जीन्स के बारे में बताऊँ तो जीन्स की क्वालिटी यहाँ पे इतनी ख़ास नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी। और भाई साहब, कॉस्मेटिक का सामान तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा आपको, 100 रुपीज़ में इतनी प्यारी प्यारी मैट लिपस्टिक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब आप सोचते होंगे इतना सस्ता सामान ये लाते कहाँ से हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले तो मैं पर्स के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ की रेंज में बहुत प्यारे प्यारे स्मॉल हैंडबैग्स थे और बिग हैंडबैग भी थे, बहुत प्यारे प्यारे पर्सेस थे अलग अलग क्वालिटी के। क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। ये वो है जो वेस्ट पे फिट हो जाता है। इसके अलावा इनके पास लॉन्ग बैग भी थे हैंडबैग। तो ये कॉस्मेटिक का जो सामान है ये लोग परचेज करते हैं सदर बाजार से, क्योंकि सदर बाजार में कॉस्मेटिक का बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो यहाँ पर और भी बहुत प्यारे प्यारे आइटम्स मिल रहे थे जो मैं आपको एक्सप्लोर कराती हूँ। सो गाइस, अगर पहले तो मेरे चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ आप सभी के डिमांड पे। तो अगर आपको कोई लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में भी कर बता सकती हूँ कि आपको न्यू कौन सी वीडियो चाहिए। आपको भी पता है कोट सेट्स कितने ज़्यादा फेमस हैं इस टाइम मार्केट में, क्योंकि ये आप कैजुअली भी कैरी कर सकते हो और आप नॉर्मल डेज में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप के फैंसी और नॉन फैंसी, प्योर कॉटन और थोड़े से गर्म वुलन में भी आपको बहुत प्यारे प्यारे कोट सेट्स मिल जाएंगे, कलर्स भी मिल जाएंगे, साइज भी मिल जाएंगे ओनली 300 रुपीज़ की रेट में। और इस स्टॉल में मुझे बहुत प्यारे प्यारे से ये स्वेटर्स मिले, बहुत प्यारा प्यारा इनका कलर है। तो जब आप ढूंढोगे तो आपको कुछ अच्छा भी मिलेगा और कुछ बेकार सा भी मिलेगा। जैसे मुझे ये स्वेटर बेकार सा लग रहा है, अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा इस शॉप पर बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इनके पास ना कलर्स बहुत थे और डिज़ाइन भी बहुत सारे थे। तो देखो ये है, ये गरम टी शर्ट भी बोल सकते हो, ये थोड़ी गरम रहती हैं। तो इस टाइम मार्केट में बहुत ही न्यूरी कलेक्शन है। अगर आपको भी करनी है अपनी सर्दियों की शॉपिंग या करवानी है किसी को सर्दियों की शॉपिंग, तो सरोजनी नगर मार्केट एकदम बेस्ट मार्केट है, जहां पर आप बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छी सी शॉपिंग कर सकते हो।
तो इस पे भी बहुत प्यारा सा ये रेड कलर का कोट था जिसकी कीमत बहुत ही कम थी। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे कलर्स भी थे, डिजाइंस भी अवेलेबल थे। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू में दिखा देती हूँ। आप देखो कितना अच्छा है, इसमें काफी वर्क भी है, हैवी भी है, इनमें सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा हैवी मटेरियल भी ले सकते हो, थोड़ा लाइट वेट भी। तो ये ओनली 300 रुपीज की रेट में है। 100 रुपीज की सेल चल रही थी, गरम गरम स्टॉल्स मिल रहे थे, या फिर मफलर भी बोल सकते हो इन्हें। इसके अलावा इनके पास स्टॉल्स भी थे 100 रुपीज की रेंट में। आपको भी पता है सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के लिए स्टॉल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वोलन स्टॉल की। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी में थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये ख़रीदा भी क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो गाइज अगर आप भी दीवाने हो इस टाइप की जंग ज्वेलरीज की, तो मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ इस टाइप की सिल्वर ज्वेलरी को। और इसी तरीके से मैं एक शॉप पर आ गई हूँ जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सिल्वर ज्वेलरी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट रेंज इनकी 100 रुपीज से स्टार्ट थी। तो 100 रुपीज की रेट में इनके बहुत प्यारे प्यारे झुमके थे यहाँ पे, और इतने सुंदर थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतने ज्यादा प्यारे लगे। इनके पास और भी बहुत सारी चीजें थी। और अगर आप सरोजिनी नगर मार्केट आ रहे हो तो ऐसे टाइम से आना जो आपको थोड़ा भीड़ कम मिले। आपको थोड़ी अगर भीड़ कम मिलती है मार्केट में, तो आप अच्छी तरीके से मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है सरोजिनी नगर मार्केट एशिया की सबसे सस्ती मार्केट है, तो यहाँ पर हर टाइम आपको भीड़ मिलेगी। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के टाइम आते हो 11 बजे से 2 बजे तक, तो आपको भीड़ थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन 2 बजे के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में। इस मार्केट की ओपन होने का टाइम है 8 बजे, सुबह 8 से 9 बजे के आसपास ये मार्केट ओपन हो जाती है, और रात के 8:30 बजे तक ये मार्केट लगी रहती है। मंडे में ऑलमोस्ट शॉप बंद रहती है, कुछ शॉप्स ओपन भी रहती हैं, लेकिन मंडे में इनके पास बहुत ही न्यूली कलेक्शन होता है। तो आप मंडे आ सकते हो सरोजिनी में शॉपिंग करने के लिए, वो आपके लिए बेस्ट डे है। तो बहुत प्यारे प्यारे फुटवेयर्स भी मिल जाएंगे आपको 250 रुपीज ओनली। इनकी क्वालिटी भी ऑलमोस्ट ठीक थी, काफ़ी सारे इनके पास कलर्स भी थे और डिज़ाइन भी थे। अब भाई मार्केट में घूमते घूमते तो बहुत थक गए हैं, अब सोचा क्यों ना खा लें कुछ। तो ऐसे ही गुजर रहे थे मार्केट से, मुझे ये पता नहीं कहाँ से राम लड्डू देखने को मिल गए। अब भाई राम लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है दिल्ली के, आई थिंक आपको भी पसंद होंगे। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट्स में मुझे बताना। तो शॉपिंग करते करते राम लड्डू की प्लेट भी ऑर्डर कर दी और राम लड्डू भी खा लिए। अब जब राम लड्डू खा ही रहे थे तो एक टुकड़ गोलगप्पे का भी ले लिया। अब इतनी ज्यादा भीड़ थी गोलगप्पे पे, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही, तो चलो खा लेते हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे तो आपको पता ही है मुझे कितने ज्यादा पसंद है, लेकिन सरोजनी में मैंने गोलगप्पे फर्स्ट टाइम खाए हैं, काफी अच्छे लगे।
और सरोजनी मार्केट में ऐसा नहीं है कि गर्ल्स का ही कलेक्शन है, सरोजनी नगर मार्केट में बॉयज़ का कलेक्शन भी काफ़ी सारा है। आप बॉयज़ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकती हो। इसके अलावा अगर आपको टोटली बॉयज़ का कलेक्शन देखना है तो आप जा सकते हो पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार एकदम बेस्ट मार्केट है बॉयज़ के कलेक्शन की। अगर आपको पालिका बाज़ार का व्लॉग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हो, मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया है पालिका बाज़ार की, तो आप विज़िट कर सकते हो। और अभी विंटर कलेक्शन के साथ साथ आपको भी पता है वेडिंग सीज़न है, क्योंकि आपको भी पता है नवंबर दिसंबर जनवरी में कितनी ज़्यादा शादियां होती हैं, और शादियों की शॉपिंग करना वो भी ऐसी जगह जहां पर आप बहुत कम सस्ते रेट में अच्छी सी शॉपिंग कर लो, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है चॉइस कि आप सरोजनी को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा वेडिंग कलेक्शन भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर स्वेटर्स का कलेक्शन है, बहुत सारे स्वेटर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा गर्म टी शर्ट्स भी मिल जाएंगी, कुछ घर का सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉस्मेटिक का भी काफ़ी सस्ता मिलता है। तो यहाँ पर मुझे ये स्टॉल मिला जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी स्वेटर्स थे, जैसे ये वाला मुझे बहुत पसंद आया ऑरेंज वाला, इसमें इतना ज़्यादा लाइट वेट था और वो भी ओनली 100 रुपीज़ में। अब आप ही सोचो 100 रुपए में इतने अच्छे अच्छे स्वेटर आखिर कहाँ से आते हैं भाई साहब। बहुत ही प्यारे प्यारे ये स्वेटर्स थे, एक ये पर्पल वाला दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी बहुत अच्छा था, एकदम डिजाइनर था। अगर आप यही स्वेटर किसी मार्केट से परचेज कर सकते हो तो करना, आपको पता लगेगा कितना महंगा मिलता है, लेकिन सरोजनी में आपको सब कुछ सस्ता मिलने वाला है और वो भी काफी सस्ता। इस टाइप के कुछ आपको डिजाइनर में मिल जाएंगे। अगर आपको ब्लाउज खरीदने हैं इस टाइप के, आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग ब्लाउज को पसंद कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्लाउज थे और उन ब्लाउज को अपनी साड़ी से मैच करा के यहाँ से खरीद सकते हो। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लाउज मुझे शॉप पर मिले। इनके प्राइस के बारे में बताऊँ तो ये 300 रुपीज़ से स्टार्ट हैं, तो 300 और 450 की रेंज में ये ब्लाउजेज हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं ये। मेरे साथ सामिया भी है, तो इसको पता नहीं क्या है, ये डैडी वेयर्स बहुत पसंद है। इसने बोला भी कि अपनी भांजी के लिए ले लेते हैं ये, फिर मैंने सोचा क्यों ना जब वो आएगी मैं उसको खुद ही दिला दूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे टेडीज थे 100 रुपीज़ में, ओनली 100 रुपीज़ में, जो कोई सा भी खरीदो सिर्फ 100 रुपए में, बहुत ज़्यादा कम कीमत थी इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे आपको गरम स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में कितने ज़्यादा इस टाइम स्टॉल्स बिक रहे हैं। सो गाइस, इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपने व्लॉग से रिलेटेड अपडेटेड रहती हूँ, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह एडिट करके डालती रहती हूँ, आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो।
तो फिर मुझे यहाँ पर ये वाला स्टॉल पसंद आया और ये मैंने फटाफट से कर लिया परचेज। एक्चुअली सामिया को बहुत पसंद आया था और वो भी मात्र 200 रुपीस में था। थोड़ा सा हैवी लगा मुझे, बट सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं इस बार, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे थे हैवी लाइट सब तरीके के, तो आप यहाँ से स्टॉल को कर सकते हो परचेज। तो अब हमने शॉपिंग कर ली है अच्छी खासी और ये वाला बैग मेरा बिल्कुल भर चुका है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तो फिर गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा। इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का विजिट करूं। तो पर्सेस का कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छा वाला है, जैसे ये वाला, यहाँ पर आपको बहुत प्यारे प्यारे पर्सेस मिल जाएंगे और 450 रुपीज़ की रेंज में इस टाइप के चिकनकारी कुर्ते मिल जाएंगे। पर्स की कीमत भी 250 रुपीज़ ओनली है, तो 250 रुपये की रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्सेस मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप पसंद कर सकते हो और अपने ड्रेस पे मैच भी करा सकते हो। इसके अलावा सरोजिनी में स्वेटर्स बहुत सस्ते हैं, आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो अपने लिए और अपने किसी बंदे के लिए, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सो गाइज आपको बैग खरीदने हो चाहे खरीदना हो घर का कुछ सामान, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मुझे यहाँ पर ये वाली जैकेट बहुत अच्छी लगी, इन्होंने मुझे प्राइस बताया 500 रुपीज़। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने प्यारे प्यारे इनके पास कलर थे और इतना अच्छा फ्लफी सा ये स्वेटर था, जैकेट थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है ये सारा सामान। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कटा फिटा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अच्छा वाला सामान दिखा रही हूँ। बाकी जब आप सरोजिनी से कुछ सामान खरीद रहे हो तो उसे थोड़ा सा देख दाख कर ही लेना। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे स्वेटर भी मिल रहे हैं और इस टाइप के टोपे भी 200 रुपीज़ की रेट में। तो गाइज आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। So thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe. Thank you. Phir milte hain next vlog mein. Bye bye.